श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरा मतलब कि शाम को 5 बजे से यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने मेरे अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो घर में है ससुराल में मेरे देवर की शादी है अभी अप्रैल में। तो बस वहीं की हम लोग ये शॉपिंग की है, यहाँ पर हमने साड़ी वगैरह ले ली है क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं मतलब कि थोड़ा लेट निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से जो साड़ी देने वाली हैं, जैसे घर में आएंगे जो लोग उनको देना है, तो बस और शादी के लिए भी, दुल्हन के लिए भी, और तो यहाँ पर हमने मतलब अभी 25 साड़ियाँ यहाँ पर हमने परचेस की है, अभी और करनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ साड़ियाँ आपको दिखा रही हूँ, तो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, एक ये रही ऐसे, और तो अब एक एक साड़ी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस मैं यहाँ पर ऊपर से ऐसे आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मतलब कि पैकिंग नहीं की है हम लोगों ने, बस लेकर के आए हैं और यहाँ पर रख दिए हैं, फिर पैकिंग करेंगे क्योंकि 12 अप्रैल को हम लोगों को यहाँ से निकलना है घर के लिए। तो अभी मैं सबको पॉलिथीन में भर करके ऐसे यहाँ पर रख देती हूँ, सब फैला हुआ था तो यहाँ पर मैं इसको अरेंज करके रख रही थी। और इस समय मतलब कि बहुत ही बिजी टाइम जा रहा है और घर में तो बहुत सारे काम है, बट हम लोग नहीं जा पाए अभी तक। तो घर में सब लोग मतलब परेशान हैं कि जल्दी आओ। तो बस क्या है कि जल्दी नहीं जा सकते क्योंकि जो हमारे हस्बैंड हैं उनका यहाँ पर जॉब है, तो उनको इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल सकती हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट ही जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने, और ये जो पॉलीथीन है ना बड़ी वाली, ये हमें दुकान से ही मिली थी। और ये मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, ये दुल्हन के लिए लिया है हमने। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर 2 साड़ियाँ हैं और बाकी साड़ियाँ दे दिए है, पिको फाल के लिए दे दी है मैंने। तो ये देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मतलब कि वहाँ जा कर के फिर परचेस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो यहीं से परचेस कर ली हैं। और बाकी रही शॉपिंग की बात, तो शॉपिंग तो जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक चलती ही रहती है। और फिर नाइट में खाना वगैरह बच्चों को खिला करके और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी पढ़ने, क्योंकि फिर अभी जितना मैं यहाँ पर जब तक हूँ जब तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ, फिर घर जाने के बाद तो मुश्किल ही होगा, देखती हूँ। बट थोड़े बहुत टाइम तो मैं निकालूंगी ही। जैसे कहते हैं ना कि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं, तो वही हमें मतलब हमारे अगर इरादे पक्के हैं तो हमें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। बाकी अब घर में शादी है तो उतना तो जैसे 6 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, मैं यहीं पर रह करके नहीं पढ़ पा रही हूँ, 1-2 घंटे ही यहाँ पर मैं निकाल पाती हूँ। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बस जल्दी ही उनके भी वैकेशन मतलब वैकेशन लगने वाले हैं। बट मेरा वैकेशन तो घर में शादी में जाने वाला है, बट वहाँ से आकर आने के बाद फिर मैं अपना मतलब कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने का, ताकि वैकेंसी आने तक, नोटिफिकेशन आने तक एक बार मेरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाए और रिविज़न भी हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 1 से 1.5 महीने का ही टाइम मिलेगा। तो अगर हम तब सोचें कि हम अब पढ़ाई स्टार्ट करें या हम अब सिलेबस कंप्लीट करें तो मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था, तो मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद तब मैं इतना सीरियस भी नहीं थी इस एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि मैं तब MPBSC की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं उसी मतलब मैं उसी पर फोकस कर रही थी, इसको तो मैंने ऐसे साइड बाई दे दिया था। बट मैंने सोचा कि मतलब कि सिंपल ही आएगा, बट उतना सिंपल नहीं थे क्वेश्चन, बहुत मतलब अंदर से पूछा गया था कि जैसे क्या, कितना वजन होना चाहिए बच्चों का, कौन सा टीका कब लगना चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा डीप में पढ़ो तो तभी हमें मतलब कि नॉलेज होता है, जो मैंने नहीं पढ़ रखा था, इसलिए इस बार अब तो मेरे पास दूसरा मतलब कि दूसरी वैकेंसी का, दूसरा चांस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये मेरा लास्ट चांस होगा। ये मतलब कि अगर मैंने ये एग्ज़ाम निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं तो फिर तो हो गया, हाउस वाइफ ही बन करके रहना है। वैसे हाउस वाइफ बन के रहना बुरी बात नहीं है, बट अगर हम कुछ करते हैं कुछ, और आजकल की इतनी महंगाई
पढ़ाई का टाइम है कि किसी एक के इनकम से घर नहीं चल पाता है, और फिर हम मिडिल क्लास वालों को तो मतलब कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि मेरे यहाँ तो खर्चा बहुत ही है, मैं मतलब बेटे का मेरा इलाज चलता है, उसकी फिजियोथेरेपी चलती है, डेली चलती है, तो उसका खर्चा अलग। फिर ये मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है यहाँ पर। तो अभी मैं उठी, 5:30 बजे उठी थी, बट टिफिन वगैरह बनाया और फिर सोचा कि मैंने अब चलो नहा लेती हूँ, इकट्ठा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 12 बज जाते हैं। मतलब फिर अगर सोचो कि नहा कर मतलब सारा काम करके नहा कर फिर पूजा करो, तो बस इस समय क्या है, मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करके यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। जैसे किसी दिन मैंने टिफिन बनाया और फिर स्टडी की, मैंने 1 से 2 घंटे स्टडी की, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, नहाना और फिर पूजा, फिर खाना, मतलब इस तरह से किया। फिर मैंने एक दिन क्या किया, जैसे ये आप देखिए, इस दिन मैंने क्या किया, जिस दिन का मेरा ब्लॉग है, इस दिन मैंने सुबह उठी, मैंने टिफिन बनाया, हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए, फिर मैंने डायरेक्ट नहा लिया, नहा करके पूजा किया और फिर बस यहाँ पर मैं पढ़ने बैठ गई थी चाय और बिस्किट लेकर के, और यहाँ पर बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मतलब कि इसके बाद मैं ये देखिए, आप देख सकते, ये रीजनिंग है, मतलब यहाँ तक रीजनिंग की क्लास हो चुकी है ऐप पर, तो बस मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर रही थी, और आप देख सकते हैं कि बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के उठने से पहले मैं यहाँ से 1-2 घंटे पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने एक दिन मतलब कि अलग अलग दिन आप अलग अलग टाइम में, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप थोड़ा सा काम को इधर उधर करके आप देखिए कि किस दिन आप ज़्यादा स्टडी कर पा रही हैं, किस दिन आपको ज़्यादा थकान फील हो रही है। तो फिर एक दिन मैंने क्या किया कि मॉर्निंग में मैंने टिफिन बनाया और ये चले गए, जैसे मॉर्निंग में मैं 4:30 बजे उठी, फिर 6 बजे तक मतलब कि खाना टिफिन सब हो गया और खुद भी मतलब फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब हो गया। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाया और फिर मैं पढ़ने बैठी। तब तक तो मतलब कि मतलब वो बच्चों की उस अभी छुट्टी थी उस दिन, तो फिर मैं पढ़ने बैठी, तो यकीन मानिए कि मैं 9:30 बज गए थे और फिर बच्चे उठ गए। तो मतलब ये तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा सिस्टम, मतलब कि फिर मैं उतने अच्छे से 2 घंटे नहीं पढ़ पाई, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में जब बच्चे सोते रहते हैं, सब कुछ शांति रहती, तब अगर आप जितना बैठ करके जितने कंसंट्रेशन से पढ़ पाते हैं, उतना बच्चों के उठने के बाद और दिन चढ़ने के बाद, जैसे 10, 11, 12 बजे उतना नहीं हो पाता है। तो मैंने तो मतलब डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में उठ करके जैसे थोड़ा टिफिन वगैरह बना करके और फिर नहा लो, वो भी बढ़िया है, नहा करके पूजा कर लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, बाकी झाड़ू पोछा रहने दो। क्योंकि अगर आप अपना मॉर्निंग का जो मॉर्निंग में बोलते हैं कि हमारी जो एनर्जी होती है हाई लेवल में होती है, और आप उसको अगर झाड़ू पोछा में लगा देंगे, तो फिर और सारा काम करने के बाद, झाड़ू पोछा और बर्तन ये सब करने के बाद, कपड़े धुलने के बाद, फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे, तो आप कुछ ना कुछ तो आपको मतलब कि वीकनेस लगेगी ही, और फिर उतने कंसंट्रेशन से आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मतलब मैं अपना ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने ऐसा करके देख लिया। जैसे कि अभी मुझे लगभग 15 दिन हो चुके हैं यहाँ पर स्टडी को स्टार्ट किए हुए, तो मैंने अलग अलग दिन में अलग अलग टाइम पर काम करके और यहाँ पर मैंने पढ़ने बैठ करके देख लिया। तो मुझे जहाँ तक सुटेबल लगा, शायद आपको भी सुटेबल ही लगेगा कि आप मॉर्निंग में उठें, थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं, जैसे 4:30, अगर आप 4:30 नहीं उठ सकती तो 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, और मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके आप अपनी स्टडी को 1 से 2 घंटे दे दें, उसके बाद फिर अपने आप घर के काम करें और बच्चों को उठाना है, उनका काम करना है, वो फिर आप अपना काम करते रहें। क्योंकि अगर आप जब काम कर रहे हैं, थोड़े थके भी हैं, थोड़ा मतलब स्टडी करने के बाद अगर आप काम कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा आपका मन भी बहल जाता है और आपके काम भी हो जाते हैं, बट आप जब स्टडी करने बैठे तब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और हमारा माइंड फ्रेश कब होता है? मॉर्निंग में सबसे पहले। तो बस
इस तरह से आप अलग अलग टाइम पर अपना स्टडी टाइम बना करके और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पूरे टाइम फ्री टाइम है, मतलब पूरे फुल डे हमारे पास फ्री टाइम है और हम बैठ करके अच्छे से पढ़ लेंगे, ऐसा तो है नहीं। और फिर मॉर्निंग में भी 3 और 4 बजे उठना हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि नाइट में भी लेट हो जाता है सोने में सब कुछ घर का काम वगैरह करने के बाद। और यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे रहते हैं, तब मुझे इतना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फैमिली के साथ में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। बट लेकिन अगर हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो फिर हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हाँ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।